दिनर एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाले पीएम मोदी जशोदाबेन को कब न्याय दिलाएंगे? अलका लांबा। गायकी सेवा में जयराम सरकार, गोवंश पर खर्च होंगे शराब से कमाए 3.55 करोड़। मिनी मुंबई में फिर खिलेगा कमल या कांग्रेस की लगेगी लॉटरी? अब खबर विस्तार से। आम पार्टी की विधायक अलका लांबा अक्सर सोशल मीडिया के जरिए मोदी सरकार पर हमलावर नजर आती है। इस बार फिर अलका लांबा ने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन इस बार उनके निशाने पर मोदी सरकार नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। शराब का शाब्दिक अर्थ बेशक बुराई का पानी हो, लेकिन देवभूमि हिमाचल की जयराम सरकार शराब से कमाए पैसे गोवंश की भराई पर खर्च कर रही है। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में शराब की हर बोतल की बिक्री पर 1 रुपए गोवंश सेस लगाया था। मालवा निमाण के इंदौर जिले में बीजेपी के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहां की 9 सीटों में से 8 पर पिछली बार कमल खिला था, जबकि राऊ सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। तो वही कांग्रेस की परंपरागत सीट रही 4 नंबर विधानसभा सीट से। 1990 में कैलाश विजयवर्गीय ने जो कांग्रेस को खदेड़ा, फिर उसके पांव यहां नहीं जम सके। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।